Hello dear students, I am your English teacher Nupur Chandra. Welcomes you all in our classes, Edu Fun classes in the channel Sims Official. Hope you people are taking advantages of the videos and hope you people are learning at home. So, as these days we are learning about modals, and in this series today we will learn about the modals should and ought to. It's sounding like very typical. Ought to, kya hota hoga? It's nothing, you know, very much typical or critical. Ye should ka hi ek advanced word hai, and both these modals used to express duty, obligation and advice. Obligation, again a very big and typical words. Obligation is nothing else than duty. Duty hi hai. But when duty comes with laws, jab laws ke through aapko koi duty batai jaye, jaise hum bolte hain ke road par traffic lights follow karna chahiye, to wo ek law hai aur ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना हमारी ड्यूटी है. सो ये दोनों ही मॉडल्स शुड एंड ऑट टू वी यूज टू टेल समबडी अबाउट देयर ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस एंड टू एडवाइज एनीबडी एल्स. जब हमें किसी को एडवाइस करनी हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको टाइम पर खाना खाना चाहिए, आपको खाना खाते टाइम आवाज़ नहीं करनी चाहिए या मुंह हल्के हल्के चलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं, एडवाइस होती है उनके लिए. लेट्स हैव सम एग्जांपल. यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, ये ड्यूटी है. ओके, मैंने अभी आपको बताया ना कि ऑट टू हम ड्यूटीज़ बताने के लिए करते हैं यूज़. तो पेरेंट्स को ड्यूटी, पेरेंट्स को ओबे करना भी हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है. यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू रिड्यूस, ये एडवाइस है कि भाई आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए टू रिड्यूस, है ना, आपका फैट कम करने के लिए. नेक्स्ट, यू शुड हेल्प योर पुअर फ्रेंड, ये ऑब्लिगेशन है, ये आपको एक सलाह दी जा रही है जहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ एंड लॉज बताई जा रही है कि अगर भाई कोई पुअर है तो आपको उसे हेल्प करना ही चाहिए. तो ये बच्चों हमारे यूजेज हो गए शुड के और ऑट टू के. नाउ सम नोट्स आर हियर. शुड इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग. हम शुड से एक सॉफ्ट एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए. जैसे मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, और मैं आपको बोलूं कि बच्चों यू शुड फोकस ऑन मैथ्स, तो मैं आपको वहाँ कंपल्स नहीं कर रही, मैं आपको वहाँ बहुत हार्ड तरीके से कुछ नहीं बोल रही, मैं आपको बहुत सॉफ्ट एडवाइस कर रही हूँ कि बेटा आपको वहाँ पर इशू है, प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड एडवाइस फॉर योर बेटरमेंट. तो यहाँ पर कोई भी कंपल्शन या कोई भी फोर्सफुल एडवाइस नहीं होती है. शुड हमेशा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. जैसे यू, अब यहाँ पर हमने तीन और मॉडल्स बताए हैं. हैव टू, यू हैव टू. हैव टू का मतलब अब तो करना ही पड़ेगा, एंड मस्ट इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट. दीज टू आई विल टेल, I will discuss with you in the next video, but not now. Ought to is used to express a moral duty. जब कोई moral duty हो, जैसे मैंने आपको traffic lights के बारे में बताया था, या जैसे हमने यहाँ पर बोला कि आपके parents को obey करना चाहिए, तो parents को obey करना या बड़े लोगों को obey करना भी एक moral duty है. वहाँ पर हमें क्या use करना है बच्चों? Ought to. You ought to follow the traffic rules. So this is all about these two modals, should and ought to. Hope you liked the video, and if you liked the video then please hit the like button and keep watching the videos in our channel Sims Official.
टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लिव हैप्पी, बाय बाय।